भक्ति से सेवा करना है तो भगवान की गवर्नमेंट में जमा है। और जिसके भाग्य में साधु संतोष सेवा लेके उसी को मिलती है। हर प्राणी चवादी के हमें अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा परिवार चाहिए, अच्छे बच्चे चाहिए, साधु संतों की सेवा चाहिए, लेकिन नहीं मिल सकता। सकल पदार्थ है जग माई, करम हीन नर पावत नाई। सब चीज मौजूद है लेकिन क्या फर्क है? पशु और मानव यही फर्क है। जिस इंसान को ज्ञान में इंसान है, नहीं नर दे पाकर पशु समान बताया गया कि जो नर खर कूकर सूकर समृथा जियत जग माई, जिनकी लगन राम से नाई। जो प्राणी खर माने गधा, कूकर माने कुत्ता, सूकर माने सुअर, कि मनुष्य तन पाकर भी जानवर जैसा कार्य करता है, उसको मनुष्य नहीं कहा गया, उसको जानवर कहा गया। मनुष्य का चोला बने भले ही उसने पहन रखा है, लेकिन क्या कहता है, तो पशु का ढोर है, इससे बात मत करो। क्यों? क्योंकि उसके आचरण आचार विचार उसके ऐसे होते हैं, तो उससे हर प्राणी दूर रहना चाहता है। देखो, पशु का क्या पता कब सींग मार दे, तो ये प्रवृत्ति होती है। और जिसको ज्ञान है ना, वो इंसान इंसान है। तो ज्ञान बिना मानव पशु, ज्ञान बिना मानव पशु, बिना पुरुष के नार, जिस पुरुष की नार नहीं वो आधा है, बिना पुरुष के नार, तेग बिना छत्री नहीं, जिस छत्री के लिए जब हमारे पास वो है नहीं, साधन ही नहीं है, तो किसको मार सकते हैं? तेग बिना छत्री नहीं, बिना पुत्र परिवार, जिस घर के अंदर पुत्र नहीं और माया लाखों की पड़ी है, उसको कोई जो खाने वाला नहीं, किस काम की है? मेरा पुत्र परिवार, सूर्य जब घोर अंधेरा होता है, जब जग ज्ञान का सूरज जब खुलता है, जगत में उजाला,